अराजकता को बढ़ावा देना हो, देश के खिलाफ बयानबाजी करनी हो, आतंकी मंसूबों को पुचकारना हो, देश के दुश्मनों की तारीफ करनी हो या फिर सामाजिक ताने बाने को तोड़ने की कोशिश, राहुल गांधी ये सारे काम विदेश जाकर करते हैं। हाल ही में अमेरिका जाकर राहुल गांधी ने यही सारे काम किए तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विदेश में जाकर राहुल गांधी को जमकर फटकारा। एस जयशंकर ने सात समंदर पार जेनेवा से राहुल गांधी के खटाखट पर जमकर हमले किए। जेनेवा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि व्यक्ति को कड़ी मेहनत करने की जरूरत होती है, जीवन खटाखट नहीं। जेनेवा में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए जयशंकर बदलते भारत और नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 10 वर्षों में किए गए बुनियादी ढांचे के विकास के बारे में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता की टिप्पणी पर परोक्ष संदर्भ दिया। जयशंकर ने बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए आवश्यक विशाल मानव संसाधन के बारे में बात करते हुए कहा कि जब तक हम मानव संसाधन विकसित नहीं कर लेते तब तक कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। जब तक आप बुनियादी ढांचे का निर्माण नहीं कर लेते, जब तक आपके पास नीतियां नहीं होती, इसलिए जीवन खटाखट नहीं है, जीवन में कड़ी मेहनत की जरूरत होती है, जीवन कर्मठता है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस किसी ने भी नौकरी की है, कड़ी मेहनत से काम किया है, वो ये जानता है। इसलिए मेरा आपके लिए यही संदेश है कि हमें इस पर कड़ी मेहनत करनी होगी। गौरतलब है कि इस साल लोकसभा में अपने प्रचार अभियान की एक सभा में राहुल गांधी ने वादा किया था कि उनकी पार्टी अगर जीतती है तो देश में हर गरीब परिवार की एक महिला के खाते में 1,00,000 रुपए हस्तांतरित किया जाएगा। उन्होंने कहा था कि ये रुपए खटाखट यानी तुरंत हस्तांतरित होंगे। ये सिर्फ चुनावी वादा होता तो भी ठीक था, लेकिन कांग्रेस ने जनता को झांसे में लेने के लिए महिलाओं से फॉर्म्स तक भरवाने शुरू कर दिए। माहौल कुछ ऐसा बनाया जैसे कि हर महीने 8,500 रुपए कांग्रेस देगी ही। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के सैकड़ों नेता और करोड़ों कार्यकर्ता राहुल गांधी के खटाखट वाले चुनावी दांव को फेल होने के बाद अभी तक राहुल गांधी समेत सभी कांग्रेसी नेताओं पर तंज कसते हैं। हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस का नाम लिए बिना कहा था कि आपने अप्रैल मई के महीने में खटाखट स्कीम के बारे में सुना होगा, लेकिन अब लोगों का कोई अतापता नहीं। योगी ने कहा कि लोगों से 1,00,000 रुपए के बॉन्ड्स भरवाए गए थे, हर महीने 8,500 रुपए भेजे जाने का वादा किया गया था, लेकिन खटाखट स्कीम वालों का देश में अता पता नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।